What happened on that? This leave the seat. Thank you, sir. Dharmen. Dharmendra Singh. Dharmendra Kumar Singh. पहली बात तो सिंह साहब आपको जब आ रहे थे पूछने की जरूरत नहीं थी आपसे कोई कह सकता है मेंबर प्रोवोक करने के लिए आप परमिशन दिए कि आप चले आए तो आप कहते सर मैं आपके आज्ञा के अनुपालन में ही अंदर आया हूँ मुझे बुलाया गया इसलिए मैंने परमिशन नहीं दी आइए हाँ आपने ठीक किया यहाँ चेयरमैन को सिफारिश किए जाए अंग्रेजी में जिस तरह से हिंदी में जिस जहाँ और उसके बाद कोई ना कोई कहेगा कि बैठ जाइए तो आप तब धन्यवाद देकर बैठ जाए आप बताएं कि आप क्या सब्जेक्ट से यहाँ लिए हैं सर मेरा यहाँ पर इतिहास और दर्शन शास्त्र मुख्य परीक्षा सब्जेक्ट और आप पोस्ट ग्रेजुएट सर मेरा इतिहास से प्राचीन इतिहास से सर अच्छा अच्छा और सर मेरा नेट जो है 2014 में चला है नेट किस में इतिहास में अच्छा अच्छा हम आपसे इतिहास में एक सवाल पूछ रहे हैं जो दर्शन इतिहास दोनों का काम करेगा बौद्ध दर्शन का एक सिद्धांत है पति समुत्पाद है ना जी सर समझाते हैं ना इसको थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या थ्योरी ऑफ कंडीशनल डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन ये दो कहा जाता है कि ये दो आत्यंतिक सिद्धांतों का मध्यम मार्ग है तो कौन से दोनों आत्यंतिक सिद्धांत हैं जिनका मध्यम मार्ग प्रतिसमुत्पाद है सर जो बुक ने चार आर्य सत्य बताए थे आर्य सत्य बताए होंगे तो इसके जो दूसरे और तीसरे वो तो आप तेज कर रहे हैं कहाँ है डिस्कस नहीं दो आत्यंतिक सिद्धांतों का मध्यम मार्ग है वो कौन से हैं दोनों आत्यंतिक सिद्धांत दुख का कारण औसत एक शाश्वतवाद है जिसको इटर्नलिज्म कहते हैं उच्छेदवाद है जिसको निहिलिज्म शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों का मध्यम मार्ग है इन दोनों किसके इतने बताए अच्छा ये बताइए आप बाह्य प्रत्यक्षवाद को कौन मानता है बौद्ध दर्शन में बाह्य अन्वयवाद को कौन मानता है बात हो सर बाह्य प्रत्यक्षवाद को सर ये व्यभाषिक मानते हैं और व्यभाषिक में भी सर दो संप्रदाय को जाते हैं और उसमें सर सर बहुत इसमें व्यभाषिक का सर बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है नहीं व्यभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद आप सही बताए बाह्य अनुवाद स्वतांत्रिक स्वतांत्रिक लॉक की कॉपी थियरी अपना लिख क्या है ज्ञान का प्रतिलिप सिद्धांत ज्ञान लाभ का काफी थियरी है हमारे सर छा जाते नहीं सुनते अच्छा बर्कले जो है सहज प्रत्ययों को मानता है कि उनका खंडन करता है सर बर्कले सहज प्रत्ययों का सर खंडन करता है प्रमुख गुण और गौण गुण का भेद कौन मानता है बर्कले और लॉक में कौन इसका खंडन करता है सर लॉक जैसा सर इसको मानता है और बर्कले सर इनका खंडन और आप दर्शन शास्त्र लिए और इतिहास yes. ये बताएं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला व्याख्यान एनलाइटेंड होने के बाद बुद्ध होने के बाद कहाँ दिया सर इन्होंने सारनाथ में सब किया सारनाथ उनको पहला महापरिनिर्वाण कहाँ मिला सर क्या मैं मिला था अच्छा कहाँ मिला गया सॉरी सर धम्मपद महायान बौद्ध दर्शन की रचना है कि हीनयान पाली में धम्मपद है धम्मपद संस्कृत में अनुवाद है उसका सर क्षमा चाहते हैं सर इस बात ठीक ये बताइए हाँ पूछ हाँ मैं ये पूछ रहा था आपसे कि पंचशील सुना आपने हाँ सर पंचशील सिद्धांत पंचशील सबसे पहले किसने इसको दिया पंचशील सर पंचशील से पहले सर ये इसके चार वो थे और ये पंचशील सबसे पहले ये पंचशील सब किसने छांदोग्य उपनिषद में सर सब छांदोग्य उपनिषद में आया पंचशील शब्द सर सबसे पहले इस दर्शन को किसने सबसे पहले सर इस दर्शन को सर पंचशील को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले
भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंच वाले जी सर, ये पंचशील जो भारत और चीन का जो 62 के बाद समझौता हुआ था, पंचशील समझौता क्या था वो? सर इन्होंने जो है अपने दोनों पक्षों ने इस बात को विदेशी नीति घोषित किया कि हम लोग जो है किसी प्रकार का युद्ध या ऐसे इस टाइप का कोई बात नहीं करेंगे और पूरे विश्व में देखिए वैश्विक भाईचारे का संबंध को निभाएंगे। इसी में सर उन्होंने नारा दिया था चीनी और भारतीय भाई भाई का, सर वो फेमस मारा हुआ था उस समय। वो ठीक था वैसे, आपको ये क्या लगता है फैसला ठीक था? सर नेहरू की जो सर विदेश नीति थी वो कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को लिए हुई थी, तो नेहरू वैश्विक शांति की बात करते थे, लेकिन सर जो हुआ क्या कि चीन की डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं सर वो नेहरू जी अपने अंतर्राष्ट्रीय बात को लेकर फंसते हुए नजर आए। नेहरू इतिहास में आप अगर मूल्यांकन करना पड़े आपको डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में और नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सिलसिले में, तो आप नेहरू का मूल्यांकन कैसे करते हैं सर? क्या मानते हैं उनको? सर नेहरू का सर वैदेशिक पॉलिसी सर कुछ पक्षों पे तो सर उनका बेहतर रहा, लेकिन कुछ पक्षों पे सर उनका नकारात्मक पक्ष है सर। जैसे अगर इसके सकारात्मक पक्ष में सर अगर इनका गुटनिरपेक्ष जो मूवमेंट था उसको सर अगर कहा जाए तो सर उसके सकारात्मक पक्ष हुआ है, और सर अगर चाइना से संबंध रहा या सर कश्मीर समस्या रही, इसके सर इसके कुछ नकारात्मक बिंदु हैं जिसको खुद सर नेहरू ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया था कि हमसे भूल हो गई थी। हाँ सर, तो नेहरू का जो दर्शन है वो उसको आप ब्लंडर मानेंगे या नेहरू के दर्शन को कोई और मान देना चाहेंगे? नहीं सर, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दोषी नहीं माना जा सकता सर। बहुत ज़्यादा दोषी नहीं मानता? कितने परसेंट मानते हैं नंबर देना सर? 50%। तो 50-50 बराबर ही हो जाए। हाँ सर, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उतना ही आप उनको भी मानते हैं। हाँ सर, एक आज डेमोक्रेसी में तो एक ही वोट से सरकार बनती है और एक ही जाती है, एक वोट तो कहीं कहीं ऊपर नीचे करना पड़ेगा। देश के लिए उन्होंने फायदा किया उतना नुकसान किया, इसलिए उनका फायदा नहीं। हाँ भाई, तो वो तो कहीं स्टैंड नहीं करते, स्टैंड फ्रॉम वेयर इन द सिनेरियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सर, क्योंकि उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदु हैं सर, तो इसलिए सर ये कहीं तो बढ़ाइए आप। अगर आपको ये करना पड़े एक जगह आपको करके सरकार बनानी होगी या सरकार गिरानी है तो क्या करेंगे आप? बनाएंगे या गिराएंगे? नहीं सर, नेहरू जी की सरकार बना देंगे। आपने GNH वर्ड सुना है कहीं? GNH, GDP सुना है? GDP सुना है। क्या होता है सर ये GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर, समग्र सकल उत्पाद का किसी देश का जो सर समग्र उत्पादन होता है उसी को नापने की जो ही कही है। GNH नहीं सुना कहीं? GNH एच सर, थोड़ा सा क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। हाँ सर, ये दुनिया में पहला देश है जिसने अपने बजट में GNH का प्रावधान किया। जी, कौन सा देश सर? ये देश सर भूटान है सर, जो बहुत पहले से अपने खुशी के आधार पर अपना जो वो भी उसका उसी आधार पर मूल्यांकन करता है। हाँ सर, तो इसका इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं GNH को? सर ये तो पहला देश है दुनिया का जिसने एक्सपेरिमेंट किया और अपने बजट में GNH का प्रावधान किया। हाँ सर, नहीं सर ये कंसेप्ट सर बहुत प्रशंसनीय है सर, इसको सर हर देश को अपने देखना चाहिए सर, अगर GNH को देखा जाए तो और बेहतर हो सकता है सर। ठीक है, ठीक है सर। आप कुछ कर रहे हैं सिंह साहब? हाँ सर, मैं जो है इस समय जो है कोचिंग सर सिविल सर्विसेज की पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, कहाँ? इलाहाबाद में? नहीं सर, हमने अपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट है सर मऊ जनपद सर, वहीं पर हमने सर और सर लोगों का वो रहता है। अच्छा अच्छा, मऊ में है? नहीं सर, ये साक्षात्कार तो मेरा सर पाँचवा सर के आसपास। इंटरव्यू हर बार देते हैं? नहीं सर, कभी मुख्य परीक्षा का बहुत डैमेज भी हो जाती है सर। जहाँ के आप रहने वाले वहाँ के कोई ज्योग्राफी के भी प्रोफेसर हैं क्या उस गांव के? उस गांव के नहीं सर, हैं तो सर बगल के लेकिन सर टच होता है सर, हैं तो गाजीपुर के डॉक्टर रविंदर सर। ध्रुवनाथ सिंह सर हैं सर। हाँ सर, हैं वहाँ के और वो सर रानीपुर डिग्री कॉलेज के टीचर हैं। प्रिंसिपल भी हैं? जी सर। पूछिए। आप कोचिंग चला रहे हैं वो तो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, फिर प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? सर हमारा जो संस्थान है वो
बहुत छोटी पैमाने पे है और वो एक सेवा भाव के लिए हमने वहाँ पे खोला है। और उसमें सर कुछ ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हुई जिसके कारण सर हमको कुछ लड़कों ने ये बताया कि अगर सर आप यहाँ पे जो समय आप इलाहाबाद में अपना तैयारी में करते हैं अगर इस ढंग से अगर आप यहाँ पे अपने को कर लें तो सर हम लोगों का भी हित हो जाएगा और सर आपका भी होगा। तो सर उसका कोई बहुत व्यापक पैमाने पे नहीं है सर, और उसका एक मोटो ही है एक तरीके का कि हम भी पढ़ें और आप भी पढ़ें सर, इस टाइप से वो चल रहा है। और सर जब मोटो लिया है आपने उसका, हाँ हम भी पढ़ें और आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें और आप भी पढ़ें सर। और उसमें सर जो है हमारा ये सिद्धांत रहता है कि जैसे हम साक्षात्कार दे रहे हैं तो ऐसा नहीं सर, हमारे साथ के कुछ लड़के भी मुख्य परीक्षा दिए थे और संयोग से उनका नहीं हुआ सर, लेकिन सर ऐसा नहीं लगे हुए हैं लड़के और उस हिसाब से चलता रहता है बस। और उसमें सर फीस उस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फीस ली जाती है जिससे सब लोगों का एक हैंड एंड माउथ सबका साथ सबका विकास चलता है सर। आप अपने में ऐसे कौन से गुण पा रहे हैं कि एक अच्छे प्रशासक हो सकते सर? मेरे अंदर सर जब सर लोगों से संवाद स्थापित करना, इसके बाद सर जो धैर्य, ये दो गुण ऐसे हैं जो कि सर मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा प्रशासक हो सकता हूँ। तो धैर्य का कहाँ उपयोग करें सर? धैर्य का उपयोग सर मैं इतनी बार साक्षात्कार में सर शामिल हुआ और अगर सर मेरे पास धैर्य ना होता तो सर मैं अभी आपके सामने सर फिर उपस्थित ना होता सर। एक बात बताइए आप, अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन डिप्टी एस पी के लिए हुआ है और जितने बदमाश हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनके लिए दो ही जगह है, या तो जेल या फिर काउंटर, यही हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से कोई भी बदमाश जो हिस्ट्री सीटर बहुत दिनों से पकड़ा नहीं जा रहा है उसको, मतलब आप उस टीम को लीड कर रहे हैं जहां उनको मार गिराना है, तो धैर्य कैसे काम रखेंगे फिर उसको? आपका धैर्य, आप चाहते हैं कि भाई हमारा धैर्य बना रहे और हम मतलब शांति बरकरार रखें और मारना ना पड़े, लेकिन ऊपर से आपको आधे से भाई ये बदमाशों का सफाया करना है, तो कैसे करेंगे, धैर्य कैसे रखेंगे? सर ऊपर से अगर सर हमारा ऊपर का अधिकारी इस स्तर से नहीं, ऊपर का अधिकारी नहीं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको डायरेक्शन है कि भाई कोई भी जो बदमाश है खुला नहीं होना चाहिए और जो जेल से भागे हुए हैं जो जहाँ मिले उनको मारा जाना चाहिए, ऐसे में क्या करेंगे सर? अपने धैर्य को ध्यान रखते हैं सर, मैंने कोशिश यही रही कि सर उसको मैं किसी तरीके से सरेंडर करवा के सर कोर्ट के सामने उपस्थित करूँ और सर गोली न चलाना पड़े सर। पहले सर बहुत अपने हाथ तक जो है ऐसा काम करूंगा जिसके कारण सर उसका सरेंडर हो जाए। नहीं, भोपाल में जेल से भाग गए तमाम कैदी, उसके बाद उनको वो कहते हैं कि उनको जेल से निकाल के मार दिया गया और पकड़ के ले आया गया। अच्छा ये बताइए, मोदी की जो डिप्लोमेसी है उसको आप सफल कहेंगे या असफल? सर मोदी सर विदेश नीति से ले सर, मोदी जी की सर विदेश नीति तो सर इस समय सफल हुई है और सर घरेलू मुद्दों पे सर थोड़ा सा मिला जुला असर है। ऐसा है वो पूछा जाए वही बताइए और उसमें सर, तो सर इनकी विदेश नीति सर सफल है कैसे सफल माने इसके लिए सर? अब जैसे ईरान है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है और ये भी कहा है कि जो उस उनके साथ व्यापार करेगा उस पर भी प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसी परिस्थितियों में इंडिया ने क्या किया? सर ऐसी परिस्थितियों में सर इन्होंने जो अपना वो दिखाया सर, ईरान से भी उनके संबंध बेहतर नहीं है सर और अमेरिका से भी संबंध बेहतर है, क्योंकि आज भारत की पोजीशन ऐसी है कि वो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सकता है सर, ऐसा थोड़ी कि आप किसी के आगे वो कर रहे हैं सर, इन्होंने भी ऐसा किया, ईरान से कोई संबंध इनका तो उसको डर नहीं लगता अमेरिकन प्रतिबंधों का? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसके कारण सर हम भी मजबूत हैं अमेरिका की स्थिति से आज, और कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसके कारण हमारा ईरान से बहुत परंपरागत संबंध रहा है और हम अगर अपनी आपका संबंध रहा ईरान से सर हमारा अमेरिका से या ईरान से? नहीं ईरान से तो हमारा सर प्राचीन काल से ही संबंध है और अमेरिका से भी संबंध 47 के बाद बनते बिगड़ते रहे, लेकिन सर इधर विगत वर्षों में काफ़ी संबंध बने हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि जो मेरा परंपरागत मित्र है उसको छोड़ा जाए और परंपरागत मित्र को मोदी जी ने छोड़ा नहीं है। संबंधों में परंपरा नहीं चलती।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, भाईचारा और परंपरागत और कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल नहीं चलता है। हाँ सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन सर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है सर कि जो भारत की जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो सॉफ्ट पॉलिसी रही है उसको इसको लाभ ही मिलता है सर, कहीं नुकसान भी हुआ है सर ऐसा नहीं है, लेकिन सर इसको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाभ भी मिला है। तो सर अगर ईरान से जो हमारा संबंध आर्थिक और ये दोनों संबंध है परंपरागत भी है, तो दोनों बिंदुओं के सर ईरान से हमारे संबंध आज भी बहुत बेहतर है। नहीं, यदि अमेरिका एग्रीमेंट हो जाता कि हम प्रतिबंध लगाएंगे यदि आपने व्यापार किया तब भारत क्या करता? सर अमेरिका के उससे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी क्यों करें? दूसरा पेज और था। नहीं सर, एक हम संप्रभु देश है। मिसाइल खरीदने वाला। हाँ सर, रसिया से जो इन्होंने मिसाइल का अमेरिका इसका विरोध कर रहा था। हाँ सर, ये बात सही है, अमेरिका विरोध कर सकता है, तो ये हमारा अपना निजी मामला है, संप्रभु देश है, और हमारी आपकी जो है इग्नोर कर सकते हैं। इसका कारण इंडिया है स्वयं, वो इसलिए है कि अमेरिका इंडिया को हर कीमत पर अपने पक्ष में चाहता है या उसको स्थान देखना चाहता है, क्योंकि जन संसाधनों की दृष्टि से एशिया में चाइना के बाद एक भारत ही है जो उसका मुकाबला कर सकता है। तो भारत को अपने संबंध भारत के साथ को बिगाड़ना नहीं चाहता और हर क्षेत्र में कंसेशन दे रहा है। अब इसी तरह ईरान और ये इजराइल और फिलिस्तीन वाली बात है, उधर इजराइल से भी संबंध अच्छे और फिलिस्तीन से भी अच्छे, ईरान और सऊदी अरेबिया का झगड़ा एक दूसरे के जाने दुश्मन, पर भारत के दोनों से अच्छे संबंध। इधर जो G20 का सम्मेलन हुआ था उसमें चाइना और रशिया से उसने अलग से बात की और उधर जापान और अमेरिका से अलग से बात की, तो वहाँ भी उसकी डिप्लोमेसी बहुत सफल रही। और सबसे बड़ी बात रही कि अगला सम्मेलन जो है जो इटली में होने वाला था वो भारत ले आए, तो फॉरेन डिप्लोमेसी के मामले में इंडिया बहुत सफल। मोदी साहब ने की जो डिप्लोमेसी थी, फॉरेन पॉलिसी के सेगमेंट की डिप्लोमेसी, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो औरों ने नहीं किया, मोदी साहब ने किया? सर एक डिप्लोमेसी ऐसी बताइए जो सिर्फ इन्होंने किया है, इसके पहले किसी ने नहीं किया। सर आत्मीय लगाव, सर जो व्यक्तिगत जो लगाव होता है सर, वो मोदी सरकार, सर मोदी की इसके इसको आप नाम दीजिए, व्यक्तिगत लगाव। ये हम सड़क पर चाय पीने नहीं जा रहे हैं, व्यक्तिगत लगाव तो चाय का प्याला ले लीजिए, इसलिए नहीं, नॉट एट ऑल। इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड सर क्षमा चाहते, स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी फर्स्ट टाइम यूज हुआ है ये, और क्रेडिट गोज टू मिस्टर बैडन सिंह। जी सर फर्स्ट। आपका विषय इतिहास भी है, इतिहास में कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया में प्रिय है? एंशियंट चैप्टर पीजी किया है, मैंने उसको अगर देखे एंशियंट मिडिवल मॉडर्न, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत आप कहाँ से मानते हैं, क्योंकि बहुत इतिहासकारों के लिए बड़ा अलग अलग मत है। हाँ सर, आधुनिक इतिहास सर इसका जो है आधुनिकता का जो कंसेप्ट है इसको कुछ लोग प्लासिक युद्ध से जोड़ते हैं और कुछ लोग सर इसको 1857 का जो घोषणा हुआ उसके बाद जो 1898 सर जो डायरेक्ट ब्रिटेन सरकार ने इसकी सत्ता ली वहाँ से इसका आधुनिकता का मानते हैं, तो सर उनके अपने तर्क हैं जो प्लासिक युद्ध को क्यों लेते हैं? क्योंकि सर उनसे ये उनका ये कि इसके बाद सर प्लासिक युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटेन की जो है जड़ मजबूत होना शुरू हो गई और व्यापक प्रभाव पड़ा प्लासी युद्ध का, और जिसके कारण बाद में जो सत्ता आई तो जिसने प्लासी युद्ध जीता उसी के हाथ में सत्ता गई, इसलिए माना जाता है कि वहीं से जो है इसके मध्यकाल को अधिकांश इतिहासकार यहाँ तक नदीम हसन को भी देखिएगा
और दूसरे इतिहासकारों ने भी ऐसा माना कि भाई औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो फेज है ना, वहीं से वो चिन्हित करते हैं आधुनिक भारत को। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, 50 साल लगे, 57 में हुआ, 1757 में हुआ। तो औरंगजेब की मृत्यु को माना जाए या प्लासी की लड़ाई को? सर औरंगजेब की मृत्यु के बाद सर भारत किसी की मृत्यु के बाद तुरंत सर भारत बहुत कमजोर नहीं हुआ था, उसमें कुछ ऐसी क्षेत्रीय शक्तियां भी थी जिसके कारण बात, लेकिन 1700 ऑल इंडिया मुगल अंपायर की बात है। हाँ, हाँ सर क्षेत्रीय शक्तियों से तो मुगल साम्राज्य चल नहीं रहा था या मुगल। हाँ सर सही बात है सर, लेकिन 1757 में खुद इसके एक बात जो सो बक्सर का युद्ध होता है उस पर खुद मुगल सत्ता पराजित हो जाती है इससे। ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद कहा कि तुरंत मैंने भारत कमजोर नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी है, आपने पढ़ा होगा बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फर्रुख सियर, रफी उद्दौला, रफी उद्दरजात, मोहम्मद शाह, एक श्रृंखला चली, सब के सब अयोग्य हुए है ना, और सबको इतिहासकारों ने कोई ना कोई उपनाम भी दिया, तो कमजोर तो ही चला था। कोई भी चीज सर इतना जल्दी मुगल साम्राज्य का जो बनाया हुआ ढांचा या सर उसको इस रूप में कहिए नहीं, ढांचा उसके बाद भी 1724 में आई, जो औरंगजेब के ऑफिसर्स थे उन्होंने ही साम्राज्य को बांट दिया। आप देखेंगे अवध अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया। सर हम आपकी बात से सहमत है सर, लेकिन सर एक चीज जो होती है कि जो जनता मुगल सत्ता के प्रति, इसका सर एक मैं एग्जाम्पल भी होगा, मुगल सत्ता के प्रति जनता का एक विशेष लगाव था जिसके कारण 1803 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारत को जीत ली, फिर भी मुगल सत्ता को बनाए रखने का ढोंग उसने 1857 तक किया था, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं ना कहीं जनता का जो है इस मुगल वंश से जो है आत्मीय लगाव है, और जिसको अगर हम लोग अगर खत्म करते हैं तो एक विद्रोह होने की संभावना बनी रहती सर, इसलिए जो है 1857 के बाद ही इसका जो है उन्होंने खात्मा किया था। लेकिन जो 1764 में बक्सर युद्ध हुआ, हाँ, उसके बाद देखा होगा आपने कि भाई जो ना जमीन दीवानी का अधिकार को मिल गया, तो दीवानी का जब अधिकार और फौजदारी का अधिकार मिल गया तो नेचुरली उस समय तो लगभग अंग्रेजों ने तो हस्तगत कर लिया था भारतीय शासन। हाँ सर यही तो सर उसकी द्वैत शासन की पद्धति यहाँ से उन्होंने अपना जो शुरू किया था उसमें सर मखौटा मुगल बादशाह का ही होता था, और वो जो है वसूली वो करते थे, फौजदारी भी वो सारे निर्णय लेते थे, लेकिन जो मखौटा आता था सर उसका आता था, और उसको सर वो बनाए रखे, क्योंकि इसका जो विधिवत जो है बाद में सर जैसे 1800 जब एक लॉर्ड एमस्ट गवर्नर आया और उसके पहले ही बताइए ये बताइए कि भाई जो आप किसको मानते हैं 1757 को या 1707 को? सर 1757 कब है इंटरव्यू आपका? सर 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मेहनत करी समाचार को पढ़िए, वाला पेज जो अखबार का होता है जरूर पढ़िए, उसने ट्रूजिल पढ़िए, उस पर आर्टिकल्स रहती हैं जिसमें सारे करंट इश्यूज पक्ष विपक्ष में सारे मत रहते हैं, उन्हीं पर इंटरव्यू होगा आपका, और जो जानिए साफ साफ बताइए, और कोई चीज़ नहीं आती तो सारी सर कह दीजिए, गलत ना बताइएगा, दूसरा सवाल बताएं कोई आप पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका क्वालिफाई करके तो आप आएगी। ठीक है, आंसर शुड बी वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, और आदर्शवादी उत्तर नहीं दीजिए, रियलिस्टिक उत्तर दीजिए, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। समझे? बी ब्रीफ एंड अवॉइड ग्रीफ। दिस शुड जस्ट थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक्स।